आज हम लोग स्पोकन में इंट्रोडक्शन लेकर आएंगे यानी आप अपने परिचय को कितने स्टाइल देते हो क्या होता है फॉर्म इंट्रोडक्शन यहीं से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज का क्लास है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एक एक स्ट्रक्चर आपको लिखते रहना है आपको टाइप करते रहना है और आज की डेट में ही यहीं पे आपके सामने खड़ा करवाऊंगा और खड़ा करवा करके आपसे आपका परिचय पूछूंगा आपको जवाब देना है यहीं पर मैं आपको बिल्कुल विजुअलाइज करना है वर्चुअल तो मेरे साथ सीखने का प्रयास करेंगे एक एक स्टेप यानी आपके इतने दिन पढ़ाने के बाद आपको अपना परिचय देने तो आ ही गया होगा तो नहीं कैसे आएगा अभी खाने का प्रयास करता हूं मेरे साथ चलिए फटाफट जल्दी से लाइक्स जल्दी से लाइक्स यहां पे हेडिंग क्या है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बिल्कुल अलग तरीका बिल्कुल नया तरीका फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी घर में भी बाहर में भी यानी आपका जो इंट्रोड्यूस होगा वो फॉर्मल भी होगा ध्यान देना है फॉर्मल भी होगा और इनफॉर्मल भी होगा यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसे दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पे बोलने का प्रयास करेंगे स्पीकिंग का, का काम करेंगे इंट्रोड्यूस होने का प्रयास करेंगे कैसे देंगे इंट्रोडक्शन अपना फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी अपने माता पिता के साथ अपने भाई बहनों को परिचय कैसे दें अपने गुरु को परिचय कैसे दें पचास के बीच में परिचय कैसे दें इंटरव्यूअर के सामने अपने परिचय कैसे दें यानी हर एंगल पर आज चर्चा करें करेंगे हम लोग और हर एंगल से लेंगे तो जल्दी से एक बार मेरे अंदर बिजली दौड़ाओ दौड़ा लाओ फटाफट चिंगारी दो और चिंगारी तब आएगा जब पांच हजार लाइक पूरा होने वाला आज है मुझे पता चलना चाहिए कि एक साथ, साथ हजार, दस हजार बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं तो शेयर कर दिया लाइक कर दिया सब्सक्राइब कर दिया जल्दी से आगे बढ़े अब चलिए बहुत बढ़िया अब जब हो गया साहब ने एक्सेप्ट अक, कर लिया कि यस सर यस सर बहुत सुंदर उन्तीस सौ लाइक्स हुआ और छत्तीस सौ यहां पर लड़का देख रहा है तो छत्तीस देख रहा है तो उनतीस बच्चा देखता हूं कौन पांच जल्दी पूरा कर रहा है फाइव थाउजेंड कौन जल्दी पूरा करे वापिस आ जाओ यहां देखो पहला पॉइंट जब हम किसी से परिचय लेते हैं तो टोटल ग्यारह पॉइंट होता है जिसमें हम फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो यही परिचय देते हैं ये फॉर्मल इनफॉर्मल का यही पॉइंट्स है यानी सबसे पहले कहीं भी जाते हैं तो इंटर होते हैं यानी प्रवेश करते हैं ग्रीटिंग्स होता है यानी कि हम लोग उसको अभिवादन करते हैं नेम बताते हैं प्लेस बताते हैं क्वालिफिकेशन बताते हैं ये सब पार्ट चलता है उसके बाद फैमिली के बारे में बताते हैं स्किल एंड एक्सपीरियंस बताते हैं स्ट्रेंथ बताते हैं लाइफ्स एम बताते हैं हॉबी बताते हैं और लास्ट में करते हैं कोई भी परिचय हो हिंदुस्तान का कोई परिचय हो कुछ भी परिचय दो अपने बारे में यही 11 पॉइंट आपको याद करना है इसी 11 पॉइंट पे एक-एक कर डिस्कस करना है एक-एक कर चलना बड़े आराम आराम से ये हमेशा पड़ा रहेगा तो सबसे पहला एंटर करते हैं किसी भी कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं एंटर करते हैं घर में स्कूल में कॉलेज में कहीं भी इंटरव्यू कक्ष में क्या करते हैं हम लोग एंट्री मारते हैं तो जब एंट्री मारते हैं एंटर करते हैं तो उसका फॉर्मल इनफॉर्मल तरीका क्या होना चाहिए फटाफट मेरे साथ आपको टाइप करते रहना है अगर हम एंटर करते हैं तो एंटर किया तो फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी सबको दिखाई पड़ रहा है अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी जयकारा लगा तो होना चाहिए कमेंट्स और लाइक्स में कमी नहीं होना चाहिए लाइक्स और शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं होना चाहिए हर बच्चा सब्सक्राइब करेगा आज आज का क्लास सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है राइट तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक में कमी नहीं होना चाहिए लाइक्स फाइव थाउजेंड चिंगारी फैलेगा राइट वापिस आ जाओ तो हमने कहा एंटर करते हैं तो एंट्रिंग की शुरुआत हमेशा से करना चाहिए कहा भाई जब आप फॉर्मल हो अगर इनफॉर्मल हो तो कैन का प्रयोग यही तो मॉडल से भैया कहां ध्यान है तुम्हारा अगर आप इनफॉर्मल है तो कैन का प्रयोग फॉर्मल है तो मे का प्रयोग यानी कि मे और कैन में ही अंतर है यानी कि मे और कैन दोनों दिखाता है परमिशन मे और कैन दोनों दिखाता है परमिशन मे दिखाता है फॉर्मल परमिशन और कैन दिखाता है इनफॉर्मल परमिशन कैन चूकी पावर दिखाए क्यों नहीं ये दिखाए क्यों नहीं सोनू ये दिखाए क्यों नहीं मोनू ये दिखाए क्यों नहीं दीपक इसलिए दिखाता है कि फॉर्मल का मतलब होता है कि जहां पे आप परिचित ना हो आप क्या हो अनजान हो तो वहां आप पे आपको मे का प्रयोग चूंकि मे आई इन सर ये जो सर वर्ड है ना ये सर का प्रयोग मे के साथ होता है कैन के साथ सर का प्रयोग नहीं होता है कहां ध्यान है तुम्हारा सीखना भी है काटना भी है मैं तो लिख कर दोनों लाया हूं कैन आई इन सर का प्रयोग नहीं करते कैन आई इन कैन ए कमीन है ना तो कैन ए कमीन नॉट सर तो सर का प्रयोग कभी भी कैन के साथ मत करना ये ब्लंडर हो जाएगा आपको आउट कर दिया जाएगा बाहर कर दिया जाएगा इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट समझ में आया यानी अगर आप इनफॉर्मल है दोस्तों के बीच में भाई के बीच में माता के बीच में कहीं भी जा रहे हो आप अपने दोस्तों में अंतर हो रहे हो मै कमीन प्लीज प्लीज लगातो मै कमीन मैं कमीन मैं टेक इट मे आई टिकट में टॉक विथ्यू तो मैं आई हेव टॉक विथ्यू तो मैं कैप लो तुम कहीं भी कर सकते हो फॉर्मल मे आई टिकट मै आई यूज योर पेन प्लीज मै हैव स्टॉक विथ्यू तो मैं कैप लोग कहीं भी कहा हो फॉर्मल अगर आप इनफॉर्मल है इनफॉर्मल तो भाई के भतीजा के दोस्त के भाई कहीं भी हो रहा हो इनफॉर्मल कैन आई टिकट मतलब हम तो उठा ही लूंगा तो मना क्या कर देगा कैन आई टिकट कैन आई यूज योर पेन कैन है तुमसे बात करूंगा पावर शो करता है, कर है न तो आप बस साथ दो मेरा मेरा साथ क्या दो अपना भी साथ दो मेरे बबे अपना भी साथ दो सिखाने के मूड में हूं तो सीखने के लिए मेरा हौसला बढ़ाओगे ना पांच हजार लाइक्स करोगे ना फटाफट फटा जल्दी से अभी थर्टी सेवन लाइक्स है पांच हजार मेरे अंदर चिंगारी फैलेगा पांच हजार का लाइक्स डेली होगा इसलिए बिना कहे ना फाइव थाउजेंड लाइक्स पूरा कर देना है ठीक है उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना है उसके बाद शेयर कर देना है तब मेरे अंदर आग लगती है तेजी के साथ आग डिफाइल से तो हमने कहा मे आई कमिंग सर तो मे आई कमिंग सर क्या हो गया फॉर्मल कैन ए कमिन सर नहीं लगेगा पहला से सीखा इनफॉर्मल यानी हम लोग एंटर हो गए और एंटर में कैन का प्रयोग तब करेंगे जब हम दोस्त के यहां जा रहे हैं कैन ए कमिन प्लीज कैन ए कमिन कैन आई कमी राजेश कैन कैन टेक इट आई हैव अ टॉक यू क्लियर हुआ बोलिए साहब तो एक बार बोल के सुनाओ फटाफट इसे कैन आई कम इन मे आई कम इन बहुत बढ़िया बोल के सुनाओ कमेंट करो प्रैक्टिस बिल्कुल यहीं पे सीखना है बाद मत करना कि नहीं आता आगे बढ़ो अगला पॉइंट अब देखो अगला पॉइंट ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स का मतलब होता है मेहनत करके लाया हूं तेरे लिए इसलिए लाइक शेयर तो बनता ही बनता है मेहनत करके ला रहा हूं पुषाने के लिए ग्रीटिंग दूसरा पॉइंट ग्रीटिंग्स टाइम के अनुसार करो भाई अगर किसी को ग्रीटिंग्स करना है ना तो अकॉर्डिंग टू टाइम करो क्योंकि अभिवादन कर रहे हैं भैया तो टाइम के अनुसार करना पड़ेगा यानी हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड टाइम टाइम क्या कहता है गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग आपको पता है, कि है। जब आप होते हैं, किसी के साथ शिष्टाचार निभाते हैं अपने ग्रुप में नहीं अपने दोस्त में नहीं कहां फिर फॉर्मल फॉर्मल मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं इंटरव्यू दे रहे हैं अनजान पर्सन है या कुछ सीनियर लोग हैं उसके लिए क्या बोलना भाई उसके लिए बोलना है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग ये क्या है ये क्या है भाई ये है ग्रीटिंग्स किसी को हम प्रणाम कर रहे हैं कुछ नहीं आता हो तो नमस्कार कुछ भी नहीं आता तो नमस्कार बोलिए हिंदी में लेकिन अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो फॉर्मल है गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैम गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग ये है सुबह ये है दोपहर ये है शाम लेकिन अगर तुम इन फॉर्मल दोस्तों के साथ तो दोस्तों के साथ गुड मॉर्निंग कहना अच्छा दोस्तों को बोलो हे व्हाट्सअप हाय है ना क्या बोलेंगे हे वाट्सअप हाय हेलो तो ये आपको क्या बोलना है इनफॉर्मल में जब आप इनफॉर्मल होते हैं दोस्त के साथ भाई के साथ अपने दोस्त यार संग के साथ फ्रेंड के साथ फ्रेंडा के साथ फ्रेंड के साथ फ्रेंडा के, फ्रेंड के, फ्रेंड के साथ किसी के साथ आपको बोलना है हे व्हाट्सअप हाय है ना हेलो तो कहीं भी आप इसको इनफॉर्मल में बोल देना है हाय दीपक हाय शालू है ना तो इस तरह से आपको कहीं भी हाय वाई का प्रयोग करते रहना है एक ऐसा हो गया तो यह इनफॉर्मल इनफॉर्मल है ग्रीटिंग्स करें हम लोग एक एक पॉइंट सीखना है मेरे दोस्त एक एक पॉइंट सीखना इससे बेहतर कहीं हिंदुस्तान में नहीं है इससे बेहतर कहीं देखने की जरूरत नहीं है कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है इससे बाहर कोई ग्रीटिंग्स नहीं होता इससे बाहर कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता इसको सीख लिया परिचय देना आ गया चार लाइन अंग्रेजी में बोलना आ गया अभी मैं आपसे बुलवाऊंगा अंग्रेजी अभी बुलवाऊंगा जल्दी लाइक्स लाइक्स करो करो तब मैं चिंगारी फैलाओ सब्सक्राइब नहीं किया तो करो क्योंकि लगातार आ रहा हूं घंटी बजनी चाहिए घंटी बजी तब तो कल आओगे नहीं तो ब्रेक हो जाऊंगा तुम भी ब्रेक हो जाओगे गड़बड़ हो जाएगा फट से फटाफट करो यहां पे क्या कहा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग फॉर्मल हो गया हे व्हाट्सअप बोलो मेरे साथ हे व्हाट्सअप हाई हेलो इनफॉर्मल हे व्हाट्सअप हाई हेलो हे व्हाट्सअप हाई हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग अगला क्या है नेम नेम बताने का तरीका क्या है जल्दी देखो अगला पॉइंट नाम बताइए आप नाम बताइए क्या कहता है नाम यहां जानने का प्रयास कीजिए अब यहां नाम करा माई नेम इज अब माई नेम इज के बाद यहां नाम लिखिए आपका जो नाम है नाम लिख के मुझे कमेंट कीजिए आप क्या लिख रहे हो नाम लिख के कमेंट करो मुझे माय नेम इज क्या क्या नाम तुम लग, नाम पढ़ूंगा देखो तुम लोगों का नाम है क्या आखिर यहां पे तुम क्या लिखोगे माय नेम इज आई एम दिस इज नाम बताइए यस yes, बहुत बढ़िया माय नेम इज यस यस बहुत सुंदर हेलो जय हो सर जी जय हो सर जी कैन आई कैन कनेक्टिंग बहुत नाम लिखो नाम लिखो जल्दी से यस बहुत बढ़िया अनुष्का हेलो माय नेम इज विकास कुमार जोया कुमारी बहुत बढ़िया हा। व्हाट्सअप हाई व्हाट्सएप हो यहाँ पे देखो जल्दी नाम लिखो फटाफट आई एम रीडिंग नाम यस 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 नीरज कुमार अविनाश कुमार सोनू कुमार सुया कुमार बहुत बढ़िया बहुत सुंदर तैयारी बहुत सुंदर तैयारी। सारे जवाब दे रहे माई इज यहाँ पे बच्चे लिखा इज सूरज यानी उसने सूरज लिखा नेम इज सूरज आई एम आई एम शालू दिस इज रबी यहाँ पे रबी का नाम है यानी कोई भी नाम लिखा आप सबों ने. बहुत अच्छा नाम लिखा जितना प्यारा प्यारा नाम सारे बच्चों का बहुत प्यारा प्यारा नाम आप लोगों का है बहुत अच्छा अच्छा नाम है माइ नेम इज ममता ममता जी बहुत अच्छे बात अवधेश कुमार अवधेश कुमार जिनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं बेटा बहुत सारे नाम आ रहे हैं माफ करना है आप लोगों को राजेश कुमार है ना रावेश कुमार अलका बहुत बढ़िया माय नेम इज बॉस बहुत बढ़िया बॉस भी नाम तुम्हारा अमृत सिंह बहुत बढ़िया दूसरा अब यहाँ देखिए माय नेम इज सूरज माय नेम ये है फॉर्मल आपको माय नेम बोलना है बहुत सारे बच्चे बलंडर कहाँ करते हैं देखो माय सेल्फ लिख दिया माय सेल्फ सुधीर अब माई सेल्फ हम लोग बोल चाल की भाषा में प्रयोग करते हैं लेकिन लेकिन फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल क्या कहा फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो कभी भी माई सेल्फ का प्रयोग मत करना अगर किसी ने सिखाया हो तो उसे काट देना व्यक्ति को नहीं जो पढ़ाया है उसको यानी माई सेल्फ कहीं किताब में लिखा है काट देना क्योंकि माई सेल्फ इज नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस माई सेल्फ का प्रयोग कभी भी इंट्रोडक्शन में सेंटेंस की शुरुआत में प्रयोग नहीं किए जाते हैं माई सेल्फ का प्रयोग कभी भी सेंटेंस में प्रयोग नहीं किए जाते मेरे दोस्त इसलिए अगर आपसे किसी ने माई सेल्फ सिखाया हो बोला हो जे टू डे लाइफ में बोलता हो काट देना किसको किताब को बोले हुए वर्ड्स को व्यक्ति को नहीं राइट right? तो माई सेल्फ सुधीर गलत है इनफॉर्मल हो चाहे कुछ भी हो गलत होगा आप बहुत हैं तो बोले दिस इज सुधीर दिस इज ममता दिस इज गीता दिस इज अलका दिस का प्रयोग करना है मेरे भाई कहाँ गया रोहित रोहित कुमार समझ में आया गुप्ता गुप्ता व्हाट्सअप बहुत बढ़िया बहुत सुंदर सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं रंजन आई एम मोनाक्षा मोना अच्छा बहुत माय नेम इज अच्छा बनवारी लाल बनवारी लाल बहुत अच्छा जवाब बनवारी जी मुझे जवाब दे रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छा फाइव थाउजेंड नहीं हुआ है ये दो, दो सौ बाकी है पांच हजार लाइक्स नहीं हुआ है इतना गला फाड़ रहा हूं अभी मैं देख रहा हूँ चिंगारी फैला क्यों नहीं मैं चिंगारी देख रहा हूँ चिंगारी फैल क्यों नहीं रहा भाई तो चिंगारी फैलाओगे तब ना पाँच हजार लाइक्स होने में दो सौ बाकी है मेरे भाई जल्दी से दो सौ पूरा करो लाइक या सबसे रुकना नहीं चाहिए रुकना नहीं चाहिए इसको लाइक या सब्सक्राइब क्यों क्योंकि मुझे ऊर्जा वहीं से मिलती है मुझे ऊर्जा भेजो तुम लाइक करोगे मुझे ऊर्जा आ जाएगा तुम शेयर करोगे ऊर्जा आ जाएगा सब्सक्राइब करोगे दूना ऊर्जा आ जाएगा तो फटाफट ऊर्जा भेजो ना जब यही पढ़ना है यही कुछ करना है तो कहाँ भटकना कहाँ कहाँ देख रहे हो उधर उधर यहीं से फटाफट दस बीस और कम रहा है लाइक से पाँच करो आग्रो बहुत बहुत बढ़िया तो माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करना है माई सेल्फ सुधीर नहीं होगा तो यह ध्यान दीजिए माई सेल्फ का प्रयोग आज के बाद नहीं करना है आपको बोलना है सुधीर, दिस रमेश दिस इज अलका दिस इज शालू दिस इज का आयम का प्रयोग तो सबसे बेस्ट ए होगा आयम सुधीर या फिर माई नेम इज या फिर दिस इज कुछ भी प्रयोग कर सकते हो इसका मतलब है कि हम लोग को नेम बताना आ गया अगला पॉइंट देखते हैं प्लेस

अब आगे पढ़ते हैं आप देखो चिंगारी लगेगा अब देखो चिंगारी लगना शुरू हो गया में आग शुरू हो गई क्या कहा हमने आप कहां रहते हो कमेंट करो आई लिव हेट मुखर्जी नगर वेयर आप कहा तो वेयर डू लिव जल्दी लिखो यहां पे आई लिव हेट यस यस आई लिव हेट पंजाब हरियाणा बहुत बढ़िया हरियाणा पंजाब छत्तीसगढ़ बिहार बिहार वाले बहुत सुंदर बिहार बिहार वाले आ गए पंजाब आ गया हरियाणा आ गया छत्तीसगढ़ आ गया उड़ीसा आ गया गुजरात आ गया बहुत बढ़िया राजस्थान भी राजस्थान भी आ गया बहुत सुंदर बहुत बच्चे आई लिव एट नगर इन दिल्ली इन दिल्ली आपको स्टेट का नाम भी लिखना है बहुत बढ़िया छत्तीसगढ़ पंजाब अरे वाह वाह बहुत बढ़िया उड़ीसा से भी बच्चे हैं बिहार यूपी से इलाहाबाद, इलाहाबाद इलाहाबाद बहुत बढ़िया उत्तराखंड अरे वाह हरियाणा पंजाब सोनीपत पानीपत दिल्ली मुख्य दिल्ली से बहुत बड़े बच्चे हैं दिल्ली से बच्चे हैं बहुत बढ़िया दिल्ली वाले बच्चे नमन करता हूँ आप सबको दिल्ली में होकर आप लाइव पढ़ रहे हो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली वाले बच्चों के लिए यानी बहुत अच्छा आई बिलोंग टू बिहार आई एम फ्रॉम यूपी यानी कि जो मन करता हो आई लिव एट बोल सकते हो आई बिलोंग टू बोल सकते हो आई एम फ्रॉम बोल सकते हो तो आई एम फ्रॉम यूपी आई एम फ्रॉम बिहार आई एम फ्रॉम हरियाणा आई एम फ्रॉम पंजाब आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश आई एम फ्रॉम राजस्थान जो मन करता हो इसमें से कोई भी प्लेस लिख सकते हो कोई यहां पर रोक टोक नहीं है जिस प्लेस से मर्जी करे ना जहां पर रहते हो ना उस प्लेस का नाम लिखो आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली आई लिव एट छत्तीसगढ़ आई लिव एट जो भी आपका छोटा प्लेस यहां पे होगा छोटा प्लेस और ये दिल्ली क्या है बड़ा प्लेस यानी पहले छोटा बाद में बड़ा छोटे के साथ एट और बड़े के साथ इन लगाते हैं प्रीपोजिशन

डूइंग का प्रयोग करना है आपने कर लिया है तो डीड या कंप्लीटेड का प्रयोग करना है और करेंट में कर रहे हो तो आई एम यानी कि जो आप अभी कर रहे हो उसको प्रेजेंट टेंस में जो कर लिया है वो पास्ट टेंस में कभी भी हैज है का प्रयोग मत करना अगर आपने बोला आई हैव आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर बलंटर अगर आपने कह दिया आई हैव आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर अपराध कर दिया अपराध कर दिया नंबर कट जाएगा इंटरव्यू से बाहर क्यों क्योंकि कर दिया लास्ट ईयर लास्ट ईयर का प्रयोग कभी भी लास्ट ईयर का प्रयोग कभी भी कभी भी कभी भी प्रेजेंट पर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं किया जाता है कम ओन, है हेलो ध्यान लाइक्स किया सब्सक्राइब किया शेयर किया क्या? रहो, करते रहो कम हमने क्या कहा कभी भी आई हैव कंप्लीट का प्रयोग प्रेजेंट में नहीं करते क्यों नहीं करते सर समय बीत चुका है हो चुका है तो उसका प्रयोग हमेशा simple past में होना चाहिए होना चाहिए simple past में चाहिए बाबू क्योंकि आपने ग्रेजुएशन क्या किया है कंप्लीट कर दिया है इसलिए यहां तो जल्दी से आप क्या किया लिखो जल्दी से कमेंट करो आपने क्या किया टाइप करो इसको आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली आई कंप्लीट

सुंग वाले को पकड़ लूंगा मोबाइल से खींच लूंगा परसुंग मत लिखो यस आई एम बी एस सी सेकंड ईयर बहुत अच्छा बहुत बढ़िया जवाब सुधीर कुमार बहुत अच्छा जवाब यस सुमन सिमरन राठी सिमरन राठी बहुत अच्छा जवाब सिमरन गौरव सिमरन बहुत अच्छा एकदम जवाब देते रहो कौन क्या कहा पढ़ रहा है लिखो यहाँ टाइप करो आपका क्या चल रहा है क्वालिफिकेशन कहां तक है सिमरन सिमरन बताओ सिमरन यस सिमरन बहुत अच्छा यस सुमन दाओ राजीव कुमार आई लीव एट पट्टा राजीव क्वालिफिकेशन बताओ बेटा करेंट एजुकेशन क्या है तुम्हारे बताओ जल्दी से राजीव यस कहा गया राजीव कहा गया यस यस अगला चीज इतना सबने जवाब दिया बहुत सुन क्लैपिंग के साथ अगला फैमिली फैमिली का बताइए फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों फैमिली क्या कहता है ध्यान दीजिए फैमिली कहता है, है, है भैया तुम्हारे पास टू ही मेंबर्स हो सकता है तुम्हारा फाइव मेंबर्स हो? हो सकता है तुम्हारा थ्री मेंबर्स हो तो जितने मेंबर्स हो आई हैव फोर मेंबर्स इन माई फैमिली आपके फैमिली में चार मेंबर है बताइए उसको आई एम द एल्डेस्ट वन हम उसमें से बड़े हैं चाहे छोटे हैं जो बताइए यंगेस्ट हैं या एल्डेस्ट है माई फादर इज अब फादर इज के बाद यहां पर लिखो आपके पिताजी क्या करते हैं माई फादर इज अ बिजनेस मैन माई फादर इज अ सर्विस मैन माई फादर माई मदर इज अ होम मेकर ध्यान देना हाउस वाइफ का प्रयोग ध्यान दीजिए यहां पर हाउस वाइफ का प्रयोग आजकल नहीं किया जाता है आजकल हाउसवाइफ के बदले में होम मेकर का प्रयोग करते हैं कम ऑन ध्यान कहां हाउसवाइफ के बदले में होम मेकर का प्रयोग करते हैं क्या करते हैं हाउस वाइफ के बदले में होम मेकर का प्रयोग करते हैं इसका मतलब हुआ माई मदर इज होम मेकर एक आप प्रयोग नहीं करेंगे अगर जॉब करती हैं तो जॉब लिखेंगे जॉब नहीं करती हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लेंगे क्या कहा माई फादर इज जो जॉब करते हैं लिखो प्राप्त टाइप करते रहो देखो तो टाइप करने से सीखोगे आप जितना ज्यादा टाइप करोगे ना उतना ज्यादा सीखोगे और 6000 लाइक्स के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद 6000 लाइक्स हो गए बहुत बड़ा क्लैपिंग बहुत बहुत धन्यवाद सारे बच्चे सीख पा रहे हैं हम एक चीज पा रहे हैं एज फॉर एज माय फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न जहां तक फैमिली का सवाल है आई हैव फोर मेंबर्स इन माय फैमिली ये सब चीज क्या करना है याद करके बोलना है समझ लेना है एक बार तो बोलना है एक बार तो पढ़ना है एक बार दिमाग में फिट हो गया हर जगह बोलना आ जाएगा हर जगह बोलना पढ़ना आ जाएगा क्या कहा आम द एल्डेस्ट वन है ना माय फादर इज अ सर्विस मैन माय फादर इज अजनस मैन माय मदर इज होम मेकर मेरी माँ घर में घर संभालती है घर में सारा काम संभालती है वही तो हेड है घर की आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है अगला पॉइंट कहता है स्किल्स एंड एक्सपीरियंस यानी आपके अंदर क्या स्किल हैं एंड एक्सपीरियंस हैं अब देखिए आप क्या हैं फटाफट अपने बारे में कुछ लिखिए मुझे बताने का प्रयास कीजिए यहाँ आई एम ए फ्रेशर बोलो बोलो बेटा गौरव कुमार गौरव प्रतीक क्या जवाब देते हो गौरव भाई साहब लिखना तो पड़ेगा अगर गौरव पढ़ना चाहते हो ना तो थोड़ा सा लिखना सीखो इंट्रोडक्शन देना है तुम्हें अपने बारे में तो एक एक लाइन को गौर से देखो क्या कर रहे हो तुम स्किल्स बता रहे हो ये जो सातवां पॉइंट पहुंच गए हम है लोग स्किल एंड एक्सपीरियंस यानी आपके अंदर क्या स्किल्स है क्या एक्सपीरियंस है आप वो बताने का मुझे प्रयास कर रहे हो तो आपकी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस क्या है मुझे बताइए आप टाइप कीजिए यहां पे बहुत सुंदर टाइप कर रहे हैं सब लोग सारे बच्चे बहुत बढ़िया बहुत सुंदर यस 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 बच्चे बता रहे हैं सर ये सर आई एम फ्रेश बहुत बढ़िया एमवीटेक यस तो क्या कहा आई एम अ फ्रेशर एक बच्चा कहा कि सर मैं फ्रेशर हूं दूसरा कह रहा है कि आई हैव 3 इयर्स एक्सपीरियंस विद कंपनी यानी कि तीन साल का एक्सपीरियंस है कंपनी के साथ फिर कह रहा है, I am quite good in java computer आई हैव डन 3 इयर्स डिप्लोमा इन जो जो, जो, जो यहाँ पे है आपको डाल देना है तो यहाँ पे कोई भी लाइन उठा सकते हैं और अपने स्किल में एक्सपीरियंस में चार चांद लगा सकते हैं कि आपके क्या क्या एक्सपीरियंस है इसमें जोड़ सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं तो ये आपके हैं स्क्रीनशॉट ले लो इससे बेहतर आप किसी चीज का परिचय नहीं दे सकते अपना परिचय देना हो इससे बेहतर कुछ नहीं है, है ना तो हमने क्या कहा आप फ्रेशर हो तो लिखो आई एम फ्रेशर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो लिखो आई हैव फोर ईयर्स एक्सपीरियंस आई हैव थ्री ईयर्स एक्सपीरियंस आई हैव टू ईयर्स एक्सपीरियंस तो जो आपका एक्सपीरियंस है ना उसको लिखना है अगला देखो क्या स्ट्रेंथ यानी कि आपको बताना है स्ट्रेंथ के बारे में कि भाई आपका स्ट्रेंथ क्या है स्ट्रेंथ है क्या चीज भाई तो स्ट्रेंथ का मतलब कि आपके अंदर कितना आग है जैसे मैंने कहा कि मुझे क्या करो लाइक like करो तो मुझे स्ट्रेंथ मिलेगा सब्सक्राइब करो तो दुगना स्ट्रेंथ मिलेगा शेयर करो तो पचास गुना स्ट्रेंथ मिलेगा इसका मतलब ये हुआ कि आप स्ट्रेंथ पैदा कर आप अंदर क्या स्टेमिना है अंदर से कितने पानी में हो क्या आपके अंदर स्ट्रेंथ है उसी को हम लोग देखना पास करते हैं क्या कहा हमें आई एम गुड कॉम्युनिकेटर भाई मेरा स्ट्रेंथ है कि हम किसी बात को कॉम्युनिकेट कर देते हैं किसी को समझा देते हैं तो आप अपने बारे में बता रहे हो तो ये लाइन याद रहेगा तब ना ये लाइन सोचोगे तब ना क्या कहा आई एम ए गुड मल्टी हम भाई मल्टी हैं एक साथ पाँच काम करते हैं टाइपिंग करते हैं बोलते भी हैं पढ़ाते भी हैं लिखाते, है, लिखाते भी हर काम कर लेते हैं तो मल्टी हैं आप यानी आपके अंदर क्या होगा मल्टीटास्कर गोल ओरिएंटेड है प्रॉब्लम सोल्वर है पॉजिटिव थिंकर है हार्ड वर्कर है कहां ध्यान है भाई कहां चले गए यहां दिख नहीं रहा पंकज पटेल कृष्णपाल सर बहुत अच्छा लग रहा है आई एम गुड फैन ऑफ यू बहुत बढ़िया आई एम गुड चैलेंजर बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्चे लिख के जवाब दे रहे हैं सारे बच्चों का जवाब सुन के मंत्र मुग्ध हो गया यस बहुत इसको लिखिए टाइप करें के बारे में आप क्या है बताइए मुझे आप आप क्या हो मुझे बताओ आप क्या हो मुझे टाइप करके मुझे बताओ यस yes. बहुत सुंदर यस सर आई एम आई एम अ गुड कॉम्युनिकेटर आई एम गुड क्रिकेटर अच्छा एक बच्चा क्रिकेटर भी है <laughs> एक बच्चा क्रिकेटर भी है भाई सर आई एम अ टीचर आई है चैलेंज आई एम क्वाइट गुड इन टीचिंग आई हैव थ्री इयर्स ऑफ कॉलेज बहुत बढ़िया आई एम गुड टीचर बहुत सुंदर बहुत जवाब सारे बच्चों का आ रहा है यस yes, यहाँ पे हैं अंकिता अंकिता पंडित कहते हैं आई एम फ्रॉम बिहार सर बहुत बढ़िया बिहार है, से हैं कहीं से है बिहार से यूपी से हरियाणा से पंजाब से आप हिंदुस्तान के कहीं से भी हैं ठीक है आप सब लोग सारे बच्चे जीनियस हैं आई एम जॉब सीकर अच्छा सुनील कुमार कहते हैं मैं जॉब सीकर हूँ बेटा सुनील कुमार जॉब सीकर हैं पॉजिटिव थिंकर हैं हार्ड वर्कर हैं कौन है जीत सिंह जीत सिंह बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं जीत सिंह का कहना है कि पॉजिटिव थिंकर हैं हार्ड वर्कर हैं आप सबों का जवाब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एंड शिव शिव बाब ने कह रहे हैं हार्ड वर्कर हैं आर यू सर गुड्डू कुमार मेरे से पूछ रहे हैं सर हाव आर यू सर बहुत बढ़िया भीनू कुमार भीनू कुमार सर फ्रेशर हूँ मीन्स सर कोई काम नहीं है अच्छा जी अनु अनमोल राज कह रहे हैं देखो बेटा काम का बात मैं आपसे करूं तो पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी है पूरे हिंदुस्तान में बेकारी चाहिए बट हमने जो बीड़ा उठाया है ये आपको सपना पूरा करना है हम लोग बैठे कोई काम फालतू का काम नहीं करेंगे एक घंटा आधा घंटा जितना देर धर्मेंद्र सर पढ़ाते हैं उतना देर आपको पढ़ते रहना है अब मैं आपको सुबह ही ग्यारह बजे भी मिलूंगा और रात के नौ दो बार मिल रहा हूं आपसे सुबह ही ग्यारह रात के नौ सुबह ही ग्यारह रात के नौ डेली का रूटीन बांध लो सुबह सोते जागते उठे सबसे पहला काम वो कैबलरी कब भाई सुबह ही ग्यारह बजे रात को सोने के बाद स्पीकिंग और कॉन्सेप्ट आपके मांस में आपके मज्जा में आपके ब्लड में इंजेक्ट कर दूंगा अंग्रेजी आपके ब्लड सेल में इंग्लिश जाएगा जब हर दिन काम करेंगे इसी पे लगेंगे इसी पे जूझेंगे क्यों नहीं होगा ऐसे कौन सी चीज है हर चीज हूं इंट्रोडक्शन ये कर लिया ना इससे बाहर परिचय नहीं होता इससे बाहर इंट्रोडक्शन नहीं होता मेरे भाई इसी को इंट्रोडक्शन कहते हैं हर एंगल हमने अलग अलग लिख दिया पे इतना पॉइंट तो है तो क्यों डर रहे हो इसी ग्यारह पॉइंट को पढ़ना है दिन भर में तैयार कर लो अकेले में खड़ा होकर बोलते रहो अकेले में फटाफट काम करते रहो बस समझ पा रहे हो ना अकेले में बोलते रहो न, गया पर्सनालिटी बन गई आपकी अपने आजकल हिंदुस्तान में बहुत सारे बच्चों को खुद के बारे में बोलना नहीं आता सबसे बड़ी बड़ी बात तो ये है हिंदुस्तान के 90 परसेंट लोग अपने बारे में ही नहीं बोल पाते तो आपको पहले अपने बारे में बोलना सीखना है बाद में दूसरे के बारे में सीखना है तो पहले आप खुद के बारे में बोलने का प्रयास करिए तब आप कहीं और बोलने का प्रयास करना बासारा तो इसलिए आप डरो मत मैं कॉन्सेप्ट भी ला रहा हूं कल मैं कॉन्सेप्ट का क्लास दूंगा तो कल दो बार आऊंगा एक सुबह ग्यारह बजे और एक शाम को नौ बजे तो दोनों टाइम लिख लो दिमाग में फिट कर लो याद कर लो दोनों टाइम आना ही ग्यारह बजे और रात को नौ बजे याद रहेगा ना तो आगे बढ़ते हैं फटाफट यहाँ तक काम कर लिया अगला कहा लाइफ एम आपके जीवन का एम क्या है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ध्यान रखिए सिचुएशन के अनुसार इसको बताना है अब आप लिखो आपके लाइफ का एम क्या है मैं चेक चेक करता हूं इसे मुझे लग जाएगा आपके लाइफ का एम क्या है लिखो मुझे जवाब दो लिखो सारे बच्चे लिखो लाइफ का एम क्या है बोलो फटाफट एस, एस 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 मैं पढ़ रहा हूं सारे बच्चों को कमेंट आ रहा है जल्दी से आपके लाइफ का एम क्या है वाट्स यूर एम एम एस हिमांशु टैग ठाकुर नांदी देखो जब लिखोगे नहीं तो जानूंगा कैसे आपके लाइफ का एम क्या है बेटा यस म्यूजिशियन ऐसे जवाब दोगे म्यूजिशियन अरे जवाब दो माय गोल इज टू गेट इन टू अ रिप्यूटेड एंड हाई एडमायर्ड कंपनी लाइक दिस आई वांट टू बी यहां से लिखो आई वांट टू बी म्यूजिशियन आई लाइक आई वांट टू बी एन आई ए एस जो आपके जीवन का लक्ष्य है द एम ऑफ माई लाइफ इज इस तरह से लिखो यहाँ पे तो अलग है ये अलग है, है, है कॉन्सेप्ट है तो आई वॉन्ट टू बी लिखो फटाफट पूरा सेंटेंस में लिखो आई वॉन्ट टू बी आई वॉन्ट टू बी लिखो जल्दी से फटाफट यस मैं पढ़ रहा हूँ Yes, यही तो सिखा रहा हूं आई वांट टू बी एसएससी नहीं होता आई वांट टू बी एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एसएससी में क्या एसएससी में क्या बनना चाहते हो वो लिखना है तुमने दिया आई वॉन्ट टू बी एस मैं एस होना चाहता हूं वन गलत हुआ ना गलत बोलो 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 गलत हुआ ना तो ऐसा नहीं करना है आपको अंदर से वो पूरा करना है जो आप चाह रहे हो फटाफट जवाब दो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर लड़का बोल रहा है आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर बहुत अच्छा जवाब आई वॉन्ट टू बी टीचर टू बी ए टीचर बहुत बढ़िया आई वॉन्ट टू बी आई एस आई वॉन्ट टू बी एन आई एस आर्टिकल का प्रयोग करिए चूकी नाउन लगा रहे हैं जब भी आप नाउन का प्रयोग करते हैं तो आर्टिकल ग्रामर भी सिखाना पड़ेगा बेटा इसलिए मैं ग्रामर भी लेकर आ रहा हूँ है ना तुम लोगों को कॉन्सेप्ट मतलब क्या है ग्रामर कॉन्सेप्ट का मतलब ग्रामर भूलना मत मेरे दोस्त छोड़ूंगा नहीं बिना सिखाए कॉन्सेप्ट का मतलब ग्रामर तो कल मैं ग्रामर ही लेकर के आ रहा हूं मेरे भाई इसलिए भूलने का प्रयास मत करना आई वॉन्ट टू बी यूपीएससी फिर तुझे आई वॉन्ट टू बी यूपीएससी अरे यूपीएससी नहीं मेरे भाई अरे <laughs> यूपीएससी तुम चाहता है और यूपीएससी में कोई पोस्ट ना चाहता होगा एन आईएएस एंड आईपीएस या जो भी जॉब तुम चाहते हो कमिश्नर कमिश्नर जो चाहते हो तो आप वो चाहो जो चाहते हो आई वांट टू यूपीएससी आई वांट टू बी एसएससी आई वांट टू बी एमपी एमपी पीसीएस ऐसे नहीं जॉब का नाम लिखना पड़ेगा जॉब का नाम लिखना पड़ेगा फटाफट लिखो यस अभिषेक शर्मा आई वॉन्ट टू बी एन आई एस बहुत बढ़िया ऑफिसर्स बहुत बढ़िया नाकसान आई वॉन्ट टू बी एन सी ए बहुत सुंदर जवाब लवली सी शर्मा आई वॉन्ट टू बी म्यूजिशियन बहुत बढ़िया जवाब सुमन कुमारी आई वॉन्ट टू बी पुलिस ऑफिसर सुमन पुलिस बनना चाहती है इकबाल अंसारी आई वॉन्ट टू बी आ टीचर बहुत बढ़िया जवाब ए टीचर बनना चाहती है संसो आई टू बी म्यूजिशियन मोहम्मद आसिम आई वॉन्ट टू बिकेम एन एस बी आई जॉब अच्छा एस बी आई जॉब चाहते हैं एस बी आई अंसारी पूजा चाहती है आई वॉन्ट टू बी एस ए सी स्टैंड अच्छा स्टैंडो चाहती है ठीक है चलेगा आई वॉन्ट टू बी फिजिकल टीचर अच्छा गोविंद कुमार मंडल कहते हैं कि हमको फिजिकल टीचर बनना है बाबा मंडल जी आई आई वॉन्ट टू बी गुड ह्यूमन बींग अच्छी बात है ह्यूमन बींग बन के दिखाइए ये थोड़ा बनना कठिन है बहुत अच्छा जवाब है ना जी बहुत बढ़िया विपेंद्र चंद्र आई वॉन्ट टू बी राइटर श्वेता कुमारी आई वॉन्ट टू बी जज अच्छा श्वेता जज बनना चाहती है मेरे भी काम आना श्वेता बहुत अच्छा आई आई टू टू बी बी ऑफिसर एयर फोर्स बहुत बढ़िया जवाब तो सारे बच्चे का जवाब अति उत्तम है बहुत सारे सा जवाब अच्छे हैं आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छा लाइक्स छ हजार लाइक्स का सात हजार लाइक्स पूरा हो क्लैपिंग सेवन थाउजेंड लाइक्स पूरे हो गए आप सारे बच्चों को क्लैपिंग बहुत सुंदर जवाब सात हजार लाइक्स आपने पूरे कर दिए और बड़े जोश के साथ इतना खुशी मिलता है कि आज के डेट में सात हजार बैट के बच्चे पढ़ रहे हैं साथ साथ हजार बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है कि लगता है कि मैं क्या करूं कहां छा जाऊं हो गया नेक्स्ट। अगला है दसवा पॉइंट पहुंची यानी आजकल हॉबी एक नहीं होता इसलिए हौबी तो माई हॉबी इज हॉबी एक हो तो इज लगाना हॉबीज हो तो आर लगाना माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी आई लव लाइक डांसिंग आई लव डांसिंग आई लाइक डांसिंग बोलो लाइक like पढ़ाया था ना पिछले क्लास में तो आई लाइक डांसिंग आई लाइक प्लेइंग आई लाइक वॉचिंग टीवी आई लाइक मूविंग तो आपको क्या पसंद है जल्दी से जवाब दो आपको क्या पसंद है आपका हॉबी क्या है मुझे बताइए यस बताओ अनिता सुनीता आपका अब्दुल अब्दुल अकबर आपका क्या हॉबी है यस आपका हॉबीज है कि हॉबी है मेरे दोस्तों आप सबों का हॉबी है कि हॉबीज है मेरे भाई यस फॉल्ट ग्रिफ्ट फैबरे आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड बहुत बढ़िया आपके हॉबीज क्या हैं आपके हॉबीज या हॉबी क्या है आपका आई वॉन्ट टू बिकम नाइस अरे हॉबी आइस तो वो तो आपका लक्ष्य है आपके हॉबी या हॉबीज क्या हैं यस yes. बिना के डांस डांस करना हॉबी है बहुत बढ़िया डांस करना हॉबी है नाचना हॉबी है गाना हॉबी है बहुत बढ़िया माय हॉबीज़ रीडिंग बुक्स बहुत बढ़िया यानी कि सारे बच्चों का हॉबी बहुत अच्छा है बहुत सुंदर यानी बहुत बढ़िया हॉबी हो गया हम लोगों का यानी आपके जो हॉबीज़ हैं इस तरह के हॉबी हैं बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अब देखिए एंड एंड क्या करते हैं अंतिम क्या है तो दैट्स ऑल अबाउट मी थैंक्स यू दैट्स ऑल थैंक यू यानी जब आप अंत करते हैं ना तो आप क्या बोलेंगे इट्स ऑल अबाउट यू थैंक यू नमस्कार इट्स ऑल अबाउट यू आज इतना ही ये हम लोग बोलते हैं है ना दैट्स ऑल अबाउट यू इसके साथ हमने क्या कहा था क्लास के साथ स्पीकिंग बैच है तो हर दिन कोशिश करेंगे कि पाँच से दस वो भी आपको मिल जाए तैयार हैं आप लोग एक बार फिर नया क्लास शुरू करने के लिए वो कैबलेरी पांच से दस वो कैब रोज होगा तो एक बार फिर से झंझनाट ले अपने अंदर खुनबुनाट ले अपने अंदर और फटाफट क्या करना है लाइक्स जल्दी से कर दो बच गया तो शेयर कर दो और फिर से जल्दी से सब्सक्राइब कर दो फटाक से की वो कैब खोल दो पिटारा देखो गौर से वो कैब करना है फटाफट लेटेस्ट वो है लेटेस्ट वोकेबुलरी फॉर इंग्लिश यानी कि इंग्लिश के लिए सबसे लेटेस्ट वोकेबुलरी एकदम करेंट वोकेबुलरी जो आज यूज़ आएगा बहुत बढ़िया वर्ड है इतना बढ़िया वर्ड है ना कि इसके बिना अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो ये देखो इस नायक को पहचानो इस नायक को पहचान लो गौर से यह नायक जो है ना वर्सटाइल है यह नायक वर्सटाइल है बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी है यह बहुत बहुमुखी युवा बहुमुखी मतलब क्या भाई बहुत सा मुख है ना यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी वर्सटाइल पर्सनालिटी है आपकी पर्सनालिटी कैसी है बहुमुखी है कि नहीं बहुमुखी का मतलब होता है हर एंगल से काम करने वाला हर एक्टिंग को कर देने वाला वर्सटाइल है वर्सटाइल यार बोलो मेरे साथ दोहराओ कहां हो टाइपिंग करो वर्सटाइल 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 बहुमुखी यानी ऑल राउंडर है देखो कितना स्मार्ट ऑल राउंडर देख क्या है भाई एंटोनम्स उल्टा

धनी है भाई गजब वर्ड है ये तो आपको टाइप करने को बनता है यानी कि ऑलराउंडर अनटैलेंटेड, ये हो गया एंटोनिम एक ये हो गया एक ये हो गया एक वर्ड हो गया वर्साटाइल टाइप करो वर्साटाइल ऑल राउंडर अनेंटेड इसका मतलब वेरी वर्सटाइल बहुत अगला वर्ड है वर्ड है है इसको अगला हो क्या क्या भाई compensate. Compensate करना अब देखिए कहता है? Compensate का मतलब क्षति पूर्ति देना यानी कोई काम करता है ना कोई क्षति हो गया उसको पूर्ति कर देना कंपनसेशन कंपनसेशन सुना होगा कॉम्पनसेट कर दो भाई तुमने तोड़ दिया टीवी कॉम्पनसेट दो कलम तोड़ दिया कॉम्पनसेट दो क्षतिपूर्ति मुआवजा देना इसको तुम क्षतिपूर्ति भी कह सकते हो याद करो वो कैब क्षतिपूर्ति बिना के अंग्रेजी नहीं हुआ ध्यान, कहा तुम्हारा? कहा जा रहे हो कहा उठ रहे हो बैठो अभी बैठो हिलने नहीं दूंगा वो कैब ले पढ़ा रहा हूं कंटिन्यू रखो क्लास यहां क्लास पढ़ रहे हो कोई पानी नहीं मैं पानी पी रहा हूं क्या नहीं ना ना पैसा सॉरी सॉरी ना पानी पीना है ना पानी पीना है ना बाथरूम जाना है कहीं नहीं जाना है यहीं बैठे रहना है क्या करना है यहीं बैठे रहना हिलना नहीं है तो क्या कहा कॉम्पनसेट मुआवजा देना यानी रिपे करना और टेक का मतलब क्या होता है लेना यानी क्या कहा द फार्म विल कंपनसेट वर्कर्स फॉर दियर लॉस ऑफ अर्निंग्स आगे बढ़िए जल्दी से यहाँ है रीजनिंग रीजनिंग का मतलब होता है सॉरी सीजनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को मसाला लगाना यानी कि आपको अलग से अलग का सीजनिंग मतलब मसाला लगाना स्पाइसिस यानी स्पाइसेज वर्ड है यहाँ पे डलनेस इसका हो गया एंटोनिम्स क्या भाई नमक सबसे आम मसाला है यानी नमक जो है सबसे आम मसाला है तो सीजनिंग का मतलब हो गया मसाला अलग अलग तरह का वर्ड है अगला वर्ड देखिए अगला क्या कहता है भाई

अगला बार देखिए से यानी डेलिकेट है डेलिकेट का मतलब जो चीज बड़ा नाजुक हो डेलिकेट, डेलिकेट मतलब नाजुक कोमल मुलायम सॉफ्ट डेलिकेट है यानी ब्रेकेबल है ब्रेकेबल है नाजुक मतलब ब्रेकेबल और रफ का मतलब उल्टा हो गया जो ब्रेक नहीं किया सकते तो बोलो टाइप करो मेरे साथ डेलिकेट 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 टाइप करो डेलिकेट नाजुक थक गए क्या नहीं ना आगे बढ़ो जल्दी से अगला पॉइंट देखो क्या भाई शुदिंग शुदिंग का मतलब आरामदायक देखो शुदिंग है आरामदायक सो रही है महिला तो क्या शुदिंग है सुखदायक शुदिंग मतलब आरामदायक आराम से सोया हुआ सूदिंग है आराम से लेती हुई सुदिंग यानी कि बड़ा ही प्लेस सुदिंग सम नाइस सुदिंग सॉन्ग यानी कि कंफर्ट सॉन्ग है रफ नहीं है कंफर्ट है सुखदायक है आरामदायक है शुदिंग है जो आराम देता है मेरे साथ बोलते रहिए टाइप करते रहिए सारे बच्चे मुझे दिखाते रहिए टाइप कर रहे हो सारे बच्चे इसको टाइप करो सीवियर टाइप करो सीवियर इसको सेवर नहीं पढ़ेंगे टाइप करो अभीत सुमित कहां साहब सुधिंग बहुत बढ़िया सीवियर टाइप करो सिवियर टाइप करो वो क्या हो जाएगा सिवियर सीवियर बहुत अच्छा सीवियर मतलब गंभीर सीवियर है सीवियर चोट है देखो फोटो के साथ कोई चीज अब देखते हैं तो सीवियर चोट गंभीर चोट है हिज इंजरीज वेयर क्वाइट सीवियर यानी काफी गंभीर है यानी क्रिटिकल है कैसा है क्रिटिकल देख रहे हो क्रिटिकल चोट लगा है इसको बड़ा नाजुक हालत है और इजी गोइंग ये हो गया स्कैंटोनिम्स अगला बार देखिए गौर से यहाँ क्या है रिव्यूक रिव्यू का मतलब फटकार लगाना रिव्यूक डांटना ये देखो इसको डांट रहा है तुम तो लेट आया है रिव्यूक करना दिख रहा है सबको रिव्यूक डांटना फटकार लगाना स्कोल्ड करना स्कोल्ड का मतलब ही डांटना होता है तो बोलो मेरे साथ दोहराते रहो क्या कहा सीबी रिव्यूक रिव्यू मतलब स्कोल्ड करना डांटना रिब्यूक, फटकार लगाना डांटना रिब्यूक कहलाता है बहुत बढ़िया अगला वर्ड देखो अगला कह रहा है प्रोफिसियंट प्रोफिशियंट कहते हैं कुशल को जो अपने आप में पूरी तरह कुशल हो स्किलफुल हो यानी स्किल्ड हो स्किलफुल को हम लोग प्रोफिशियंट कहते हैं किसी काम को करने में माहिर हो प्रोफिशियंट वह दो भाषाओं में कुशल है सी इज़ प्रोफिशियंट इन टू लैंग्वेजेज प्रोफिशियंट किसी काम को करने में माहिर प्रोफिशियंट कहते हैं कुशल को एक्सपर्ट को प्रोफिशियंट कहते हैं प्रोफिशियंट टाइप करो प्रोफिशियट प्रोफिशियंट प्रोफिशियट मेरे बोलते रहो प्रोफिशियन प्रोफिशियन कु कुशल है एक्सपर्ट है प्रोफिशिएंट है कुशल है एक्सपर्ट है प्रोफिशिएंट है कुशल है एक्सपर्ट है प्रोफिशिएंट है स्नूप स्नूप का मतलब देख लो सीबीए वाले सब हैं जासूसी कर रहे हैं यानी स्नूप का मतलब होता है जासूसी स्नूप मतलब इन्वेस्टिगेट करना स्नूप करना इन्वेस्टिगेट करना टाइप करते रहिए उठना नहीं अभी क्लास कंटिन्यू करते रहना है स्नूप का मतलब जासूसी करना स्नूप कलाता है इन्वेस्टिगेट करना अगला वर्ड हम लोगों का देखिए गौर से हिप हिप का मतलब होता है ढेर स्टोर करने को हिप कहते हैं हिज क्लोथ्स ले इन हिप ऑन द फ्लोर यानी कि हिप हिप का मतलब ढेर पूरा ढेर जमा हो गया हिप हो गया टाइप करते रहिए स्पीड में हिप 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 स्टोर अगला वर्ड हम लोगों का है क्या भाई इनफ्यूरिएट इनफ्यूरिएट का मतलब क्रोधित करना इनफ्यूरिएट देखो क्रोध में फटा जा रहा है इनफ्यूरिएट क्रोधित करना एंगर हो जाना इनफ्यूरिएट क्रोधित एंगर क्रोधित एंगर को इनफ्यूरिएट कहते हैं बहुत बढ़िया तैयारी आगे देखिए टू बी ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट को हम इस तरह से काम करने का प्रयास करते हैं बहुत बढ़िया इस तरह से वर्ड्स हम लोगों का लगभग हो गया है अब क्या करना है वो समझिए इस तरह कॉन्सेप्ट के साथ एक ध्यान रखिए जितने वर्ड्स में पढ़ा रहा हूं जितने वो कैब मैं दे रहा हूँ ये सारा वो कैब कहाँ से टाइप करना है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे यह ऐप आप, आप सबके पास होगा इसका नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और सारे वो कैब सारे पीडीएफ सब सा फ्री में आपको इसी ऐप पर मिले जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये सबका पीडीएफ आपको क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर मिलेगा तो इस ऐप को इमीडिएट फ्री है ये ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है इसको डाउनलोड करना है इस ऐप की खासियत क्या है ये समझिए ये आपको कोई दिक्कत सॉरी पहले ऐप की बात करते हैं ये ऐप क्या है कि यहाँ पर देखो लिखा वो बिल्कुल फ्री यानी वो में जब जाएंगे तो क्लास आपको फ्री मिलेगा वैसे आपको सारे क्लासेज हैं बिल्कुल ए सी एस एल बैंक सारे वो कैब मिलेगा अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम के नीड के हिसाब से यहां पे लाइव क्लास है स्पोकन लाइव है एग्जाम वाइज है टेस्ट सीरीज है डेली स्टडी मटेरियल है सबका पीडीएफ आपको अलग अलग यहां पे मिलता जाएगा देखने को मिलेगा इस तरह से जो भी आप चाहोगे क्लास इस तरह सिस्टमेटिक टाइम एंड टेन से लेके सारे क्लासेस आपको दिखते रहेंगे और मिलते रहेंगे ठीक है इसके साथ आपको कोई भी हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो वैसे तो नंबर यहाँ पे चल रहा होगा आप देख पा रहे होंगे लेकिन अगर नंबर देखने में किसी को प्रॉब्लम है तो नंबर हमने यहाँ पे दे दिया हुआ है यहाँ पे नंबर आपको कर लेना है ठीक है ये नंबर है ट्रिपल नाइन जीरो नाइन थ्री सिक्स नाइन सिक्स फोर इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है इसके अलावा ये पांच सात नंबर यहाँ पे और हैं पांच सात नंबर यहाँ पे और हैं ये किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो किसी भी नंबर पे बात कर सकते हो मुझसे बात हो जाएगी स्टाफ से बात हो जाएगा तो किसी भी नंबर पर आप ये सारे नंबर अलग अलग हैं किसी भी बात कर सकते हैं या फिर यह नंबर भी हेड नंबर है ट्रिपल नाइन जीरो नाइन थ्री सिक्स नाइन सिक्स फोर इसके अलावा सारे नंबर हैं जो नंबर लग जाए वही आपके लिए बेस्ट है घबराना नहीं है डरना नहीं है जी में बात करना है ठीक है थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू फिर मिलते हैं कल कॉन्सेप्ट थ्री कल का क्लास किसी कीमत मिस मत करना सारे बच्चों को शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना ताकि सारे बच्चे कल क्लास मिस ना करें सारे बच्चे क्लास में पढ़ लें ठीक है तो यहाँ पे सारे बच्चे जितने बच्चे जुड़े हैं मुझसे अनु कुमारी गुड नाइट सर गुड नाइट गुड नाइट बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने क्योंकि जब हम अलग होते हैं तो गुड नाइट ही बोलते हैं है ना अभिषेक थैंक यू सर बहुत बहुत अभिषेक सबरजीत गुड नाइट सर हयात गुड नाइट परसोत्तम तिवारी रूपम कुमार हेलो सर बहुत बढ़िया मनोज राजपूत गुलशन प्रताप सिंह बैसा वैभव भूपिंदर सोनी बहुत बढ़िया सारे बच्चों का बहुत अच्छा जवाब है तो आज हम लोग चलते हैं लाइक भी आठ हजार पूरा हो गया एट थाउजेंड लाइक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को दोबारा देखना एक बार ताकि आप सबों के लिए अच्छा काम हो और अच्छा से पढ़ते रहो ठीक है थैंक यू सो टूडे गॉड ब्लेस यू इतना ही। कल हैं कल कल मिलते हम लोग कितने बजे? बजे दिन में और रात को नौ बजे किस लिए कॉन्सेप्ट थ्री कल चलेगा कॉन्सेप्ट का तीसरा क्लास एडवांस इसे मिस मत करना सिखाने वाला क्लास है और सुबह ग्यारह बजे किस लिए वो के, के लिए अलार्म लगा लो दिमाग में फिट हो जाओ थैंक यू मच बाय बाय टेक केयर